ओम नमो भगवते वासुदेव हरे कृष्ण। बच्चों कैसे हो आप लोग? अब ये फाइनल वीडियो है मेरी। इस फाइनल वीडियो में आखिरी के 5 प्रोग्राम्स की बात करूंगा, जिसमें आखिरी प्रोग्राम तो जरूर देख के जाना। आपके सामने यहाँ पर लिस्ट बनी हुई दिख रही होगी, ये लिस्ट आ रही होगी, इधर लिस्ट आ रही है इधर, है ना, क्योंकि कैमरा उल्टा दिखाता ना हमेशा, है ना, तो इधर लिस्ट आ रही होगी। ये सारे कवर करूंगा। जो लास्ट प्रोग्राम है ना, ये टर्टल के थ्रू मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। इसको देखे ना मत जाना, वॉच टिल दी एंड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना कुछ देर करे पहले इंट्रो लोड करते हैं, फिर आते हैं वापस। ओके, हम आ चुके वापस। अब यहां पर पहला प्रोग्राम आपको जो दिख रहा है, पहला प्रोग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है Find the nth term of Fibonacci series by using recursion. Simple सा। तो प्रोग्राम आपके सामने मैंने ऑलरेडी कर दिया, ताकि ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे बताने में, सिर्फ समझाऊंगा। आप ये देखेंगे Fibonacci जो फिप नाम का मैंने फंक्शन बना रखा है डेफ कीवर्ड के द्वारा, फिर चेक करेगा n इक्वल टू 1 है तो 0, 2 है तो रिटर्न 1 कर दे, फिर नहीं तो n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 हमारा Fibonacci नंबर जनरेट होता जाए। कैसे हो रहा Fibonacci? कि जो लास्ट के दो नंबर है उनको जोड़ते हुए अगला नंबर जनरेट करो। तो पिछले जो दो नंबर है n माइनस 1 और n माइनस 2, जो पिछले के दो नंबर है उनको ऐड करते हुए नेक्स्ट नंबर जनरेट करते जाओ। और मैं यहाँ पर ऑलरेडी n मैंने यहाँ पर बता दिया कि 7 तक का आपको ऐसा काम करना है। तो बिना कोई देर करे इसको विजुअल एग्जीक्यूशन करते हैं। जैसे ही करेंगे है हमारे पास, पहले तो ऐड को हटा दो भैया, ऐड भाई साहब बहुत बीच में आते रहते, शुक्र एड्स आपको नहीं दिख रहे भैया, एड्स हमारे चलेंगे तो मेरे वीडियो पे चलेंगे, ऐड और कहीं चलेंगे भाई, सीधी सी बात। तो ये अगर आप देख रहे हो बेटा 147 स्टेप्स चल रहे हैं, क्योंकि रिकर्शन मेरा इतना ले रहा है। पहला आ गया फिब हमारा आ गया, ठीक है, फिर चेक किया आगे बढ़ा, एन इक्वल टू 7 हमने दे रखा था, एन इक्वल टू 0 से कम है ऐसा कुछ नहीं है, इनपुट इनकरेक्ट है ऐसा कुछ है नहीं, एन 1 है नहीं, रिटर्न 0 कर दिया, एन 2 है नहीं है भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब फिर रिटर्न करो एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, मतलब एन क्या था मेरा 7, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, तो 5 प्लस 6 करते जाओ। जैसे 6 हमारा कम होता जाएगा, जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता गया, एन इक्वल टू 5 हो गया, अब जुड़ता गया जुड़ते हुए पीछे पीछे आता रहा। अब देखो पहले नंबर जनरेट हो रहे हमारे, नंबर जनरेट हो रहे हमारे, ठीक है। अब जैसे रिटर्न मेरा 1 आएगा, रिटर्न 1, 1 हुआ रिटर्न, 0 रिटर्न हुआ, एन इक्वल टू 2, फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ, और ये सब होते 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 वापस आते आते ये मेरा होता गया, Fibonacci सीरीज हमारी बनती गई चली गई, और मेरे हर एक नंबर यहाँ पर हमारे पर डिस्प्ले होते रहना चाहिए था। अब देखते हमारे Fibonacci सीरीज हमारे बन के आती कि नहीं आती। हम nth टर्म निकाल रहे हैं, जो आखिरी टर्म है मेरी वो निकाल रहे हैं, तो nth टर्म मेरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। फाइंड द nth टर्म ऑफ द Fibonacci सीरीज, इसका अगला प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा Fibonacci सीरीज प्रिंट करने का, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो nth टर्म मेरी क्या आ गई, 8 आ गई, आखिरी टर्म क्या आ गई, 8 आ गई, 0, 1, 1, 2, 3, 5 और 8, तो सातवीं टर्म जो मेरी 7 की जो सीरीज है उसमें एंड में हमारे पास क्या आएगा Fibonacci के 8 आएगा। आप खुद ट्राई कर लो अपने एंड से एक बार, इस प्रोग्राम को जरूर ट्राई करना। बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो बात करने वाले हैं वो है, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंट Fibonacci सीरीज की। सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया, सीधा मैं विजुलाइज करूंगा एग्जीक्यूशन पर। यहाँ एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, तो यहाँ पे अगेन सीक्वेंस में क्या एंटर करता हूँ, एन एंटर करने वाला हूँ मैं 7, तो मुझे 7 तक की लिस्ट, ताकि आपको मैं लिस्ट में बना के दिखा दूँ, ठीक है। जैसे करूंगा नंबर एंटर कर दिया, फिर वाइल एन माइनस 2, जब तक मेरा वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा है, जब तक मेरा एन माइनस 2 नहीं होता तब तक चलते रहो, ठीक है। एन माइनस 2 मतलब ट्रू नहीं होता, एन माइनस 2 दे रखा है मतलब एन माइनस 2 मेरा ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है। जब n माइनस 2 जब तक मेरा ट्रू, जब तक ट्रू रहता तब तक चलते रहो, जब n माइनस 2 मेरा फॉल्स हो जाएगा तब बाहर आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 n इक्वल टू n माइनस 1 होता जा रहा है, n मेरा कम होता जा रहा है, जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, खत्म कर देगा लूप को, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, लूप खत्म है इसके बाद, तो चलता जाएगा 0, 1, 1, देखिए ऊपर नंबर बनता आ रहा है, देखो 2, नेक्स्ट आया 3, नेक्स्ट आया 5, नेक्स्ट आया 8 और मेरा काम खत्म। देखिए 0 प्लस 1, 1 आ गया, फिर 1 प्लस 1, 2 आ गया, फिर 1 प्लस 2, 3, 1 प्लस 2 हो गया 3, 2 प्लस 3, 5,
थ्री प्लस फाइव एट, तो आप देख लोगे चार और तीन सात, ये सात नंबर्स हमारे बन के तैयार हो गए। और ये मेरा ए बी सी और एन और सी के हिसाब से हमारा ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा सी आपका इस तरीके से सिंपल एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये पाइथन की खूबसूरती कि एक्सचेंज आप इस तरीके से एक लाइन में कर सकते हो, स्वैप द नंबर्स बिटवीन द स्वैप टू नंबर्स, ठीक है, स्वैप द वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स, आप आराम से कर सकते हो। देन डन, 30 स्टेप्स में काम कंप्लीट और मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। ऐसे अब चलते हैं तीसरे नंबर के प्रोग्राम पे। तीसरे नंबर का प्रोग्राम सिंपल सा है कि एक फोन बुक हमें दे रखी है, एक डिक्शनरी दे रखी है, और उस डिक्शनरी पे हमें क्या काम करना है, डिक्शनरी के हमें आइटम्स निकालनी है। आइटम्स मतलब उसकी की और वैल्यू पेयर होते हैं कि उसके सारे आइटम्स कौन कौन से, वो सारे हमें निकाल कर दिखाओ की और वैल्यू कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो मेरे चैनल को, ये मैंने मेंशन कर रखा है। सी फॉर सेल्फ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत भाई बहुत बात बनती है। तो सीधा मैं इस पर एग्जीक्यूट करता हूँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे आते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, वीडियो को पहले आप करोगे लाइक, देन करोगे शेयर एंड देन करोगे सब्सक्राइब। अब आप ये देखो कि एक डिक्शनरी कैसे बनकर निकलती है। इस डिक्शनरी में डिक्ट कीवर्ड के अंदर आपके जो लिस्ट है वो लिस्ट आपकी 01 दो एलिमेंट की लिस्ट बन रही है हमेशा। तो जो वैल्यू है, वैल्यू इज अ लिस्ट, तो वैल्यू मेरी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट मेरा ऐसा डेटा टाइप आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो डिक्शनरी के अंदर आपका की क्या है, मेरा सिंपल एक स्ट्रिंग है, और लिस्ट क्या है, मेरा वैल्यू बनता जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इधर ले आता हूं, फिर आगे बढ़े, की वैल्यू पेयर हमारा बनता है। पहले लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर सब्सक्राइब करो, ठीक है। हर बार हमारा पॉइंट होता जा रहा है, देखो पॉइंट होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉइंट होता जा रहा है। तो पहले हमारा पॉइंट किस पे हुआ था, देखो पहले पॉइंट हुआ था मेरा, पहले हुआ था लाइक पे, कि जब लाइक था तो पॉइंट वैल्यू किस पे पॉइंट कर रहा है, इस पे पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट हुआ मेरा शेयर पे, और नेक्स्ट हुआ मेरा सब्सक्राइब पे। तो बिना कोई देर करे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए इसके हमारा काम हो गया, तो सब्सक्राइब हो गया, टटना है, सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पे। अगला प्रोग्राम हम कवर करने वाले हैं कैलकुलेटर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैं क्या करूँगा, दो नंबर इनपुट करा रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा आपको क्या करना है। तो ऑपरेशन एंटर करिए, प्लस माइनस स्टार मतलब डिवीजन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके सिंबल्स मैंने यहाँ पर पकड़ा दिए। आप सिंबल एंटर करते जाइए, उसके हिसाब से अपना काम करता जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और चीज़ है, स्विच केस स्टेटमेंट भी आती है इसके अंदर, पाइथन के 3.11 के अंदर स्विच केस, 3.12 में स्विच केस आ चुका है। अगर आपको स्विच केस का काम बताना है कि आप बताऊँ, अगर आप चाहते हो मैं बताऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना स्विच केस कैसे बताऊँ मैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आगे कोड को रन करना शुरू करता हूँ। सिंपल सा कोड है, अब यहाँ पर सीधा ये एड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड चारों हमारे यहाँ पर ग्लोबल फ्रेम में फंक्शंस बन गए, तैयार हो गए। अब बस इनको एग्जीक्यूट करना है। पहले दो नंबर लेता हूँ मैं, नंबर पाँच ले लिया और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर इनपुट कर लिया छः। एन वन और एन टू मेरे पाँच और छः बन के आ गए, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ग्लोबल फ्रेम में। अब मैं यहाँ पर इनपुट लूंगा, मैं कह रहा हूँ इनको मैं प्लस कराना चाह रहा हूँ, तो प्लस मैंने इनपुट कर लिया, और प्लस जैसे कर दिया तो पाँच और छः मेरे के आ गया, आंसर मेरे पास 11 आ जाना चाहिए। जैसे ही हुआ तो ऐड फंक्शन कॉल हो गया, तो ऐड पे वो पहुंच गया, जैसे ही ऐड पे पहुंच गया एक्स और वाई मेरी वैल्यूज चली गई उसके पास, और मेरा आंसर रिटर्न वैल्यू होके आ गया सीधा प्रिंट, क्योंकि रिटर्न तो मैंने कराया नहीं, सीधा प्रिंट फंक्शन कॉल करा दिया। जैसे प्रिंट फंक्शन कॉल करा के मेरा आंसर 11 आ गया। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड आप ये आराम से कर सकते हो। अब आखिरी प्रोग्राम बच्चों जो मैं बताने वाला हूँ, देखते हुए जाना, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो सिंपल सा होगा, मेरा प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है मुझे, इनफैक्ट यहाँ पे टर्टल वाला प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम पाइथन ट्यूटर पे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो होल्ड ऑन, मैं आपको अभी टूल दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं रन करके आपको दिखाऊंगा। ओके, मैंने सिर्फ सर्च किया पुट टर्टल ग्राफिक्स एनीवेयर ऑन द वेब, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, trinket.io बेस्ट वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सा मेरा कोड जो था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोड, इस कोड को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल और स्क्वेयर्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, सर्कल बनेगा स्क्वेयर्स का, स्क्वेयर बनते जाएंगे और सर्कल बनता जाएगा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, स्क्वेयर बनाने का तरीका आ रहा है, पहले स्क्वेयर बनेगा, सर्कल और स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर बनते जाएंगे और सर्कल भी बनता जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको देखोगे पहले 100
पिक्सल फॉरवर्ड चलो, फिर राइट एंगल पे आ जाओ, फिर 100 फॉरवर्ड कर, पहले सीधा चलो राइट आ जाओ, राइट आके नीचे आएगा, राइट उसके होगा ऐसे आएगा, राइट होगा ऐसे आएगा, और ये एक एक करके बनता जाएगा आपका। और रेंज आपके देखिए 36 और स्क्वायर इक्वल टू 90, तो देखो कैसे बनता है। टोटल हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना है। देखिए कैसे बन रहा है, देखिए पहले सर्कल बना, अब देखिए हर बार ये स्क्वायर बनाता जा रहा है, देखो राइट कैसा लग रहा है बच्चों ये देख के। ये सिंपल टर्टल याद कराता है। एक्चुअल में पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी लोगो, लोगो नाम की आती थी जो मैंने चौथी क्लास में पढ़ी थी, तो ये टर्टल मुझे ना इसकी याद दिलाता है। तो ये देखिए स्क्वेयर्स के माध्यम से सर्कल बनाने का प्रयास कर रहा है, देखो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये मैं बेस्ट फॉर द लास्ट मैंने आपके लिए रखा हुआ था। आपको कैसा लग रहा है वीडियो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। और अगर बच्चों अभी तक आपने इतने बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, बार बार बोल रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए यार। जब तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे और कमेंट करके नहीं बताओगे यार कैसा लगा, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है भाई, कमेंट करोगे तो ही तो मेरे लिए फ़ायदा होगा, तभी आप जैसे हुनर बच्चों की तरह और बच्चों तक भी जाएगा, उनको भी वीडियो रिकमेंड होगी आपकी तरह, वो भी बहुत खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे, क्यों ना सबको सिखाया जाए ना। देखिए तब तक देखिए हमारे यहाँ पर सर्कल बनता जा रहा है, कितना प्यारा सर्कल बनता जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पीडअप भी कर सकता हूँ, हम चाहे तो इसको स्पीडअप किया जा सकता है। तो देखते हैं स्पीडअप का ऑप्शन है इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो कि ऑप्शन है, तो ये अपनी स्पीड से काम कर रहा है, तो इसको स्पीड कराना। तो या तो हम यहाँ पर जो 100 पॉइंट्स का 100 पिक्सल्स का मैं बना रहा हूँ, 100 बाय 100 बाय 100 जो सर्कल मेरा बनता है, और ये मेरा मेरे ख्याल से अब ये काम कम्प्लीट हो ही गया। अब कुछ ही यहाँ पर अभी बनाएगा, एक फिर दो, हाँ ये अभी फाइनल हो गया, अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये सर्कल और स्क्वायर्स बनके तैयार हो गया। यहाँ पे कलर कैसे देना है, अगर आप चाहते हो टर्टल के ऊपर मैं अलग से वीडियोस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिलहाल कोई बिना देर करे मैं बढ़ता हूँ अपने मेन उसके ऊपर। कैसा लगा वीडियो बच्चों बताओ मुझे, क्या अभी तक ऐसा तो नहीं लगा कि भाई वीडियो लैग कर रही हो, कुछ गड़बड़ हो रही, ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे बताना ज़रूर। और लाइक अगर अभी तक नहीं किया इस वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और शेयर करना हर हफ्ते दोस्तों के साथ शेयर करना इसको, और कैसा लग रहा है सेटअप, प्लस कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगी। तो मेरे ये पांचवी पार्ट था, ये मेरा कंप्लीट हो गया। पांच पार्ट से मैंने 35 प्रोग्राम्स आपको कंप्लीट करके बता दिए। डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक नीचे आ जाएगा, उसको ध्यान से देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे रखा है। साथ साथ मैंने ऐसे लिंक्स दे रखे हैं, ऐसे कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं जो आपके लिए इंडस्ट्री रेडी काम कर देंगे विद सर्टिफिकेशन, और आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो बेहद नॉमिनल कॉस्ट में, बहुत ही एकदम आधी रेट से भी कम। अगर आपका सपोज करें 500 रुपये का कोर्स है तो 250 रुपये का पड़ेगा, प्लस मैं आपको 20% ऑफ और दे रहा हूँ, तो गुरु 20 आप कोड डाल के कोर्स बाय कर सकते हो। ज़रूर देखना बच्चों, टेक विद्वान की साइट है, ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया साइट है। मैं खुद अपने बच्चों जो मैं सब जो स्टूडेंट्स उनको रिकमेंड कर चुका हूँ, तो आप लोग भी बच्चों रिकमेंड करो, बताना जरूर कैसा लगा। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा।